दोस्तों आपको क्या लगता है, अगर एक साइबेरियन टाइगर और एक साइबरटूथ टाइगर के बीच में लड़ाई होती है तो कौन जीतेगा? साइबरटूथ टाइगर आज से 11,000 साल पहले ही इस धरती से विलुप्त हो चुके हैं, लेकिन आज अगर वह जीवित होते और उनका सामना एक साइबेरियन टाइगर से होता तो दोनों में से किसकी जीत होती? जहाँ साइबरटूथ टाइगर अपने लंबे नुकीले दांत से अपने शिकार को चीर देते थे, वही साइबेरियन टाइगर आज इस धरती में पाए जाने वाली टाइगर की सबसे बड़ी प्रजाति है, जो कि अपने शिकार को दबोचकर मार डालती है। तो आइए देखते हैं इन दोनों की लड़ाई में किसकी जीत होती। पहले बात करते हैं साइबरटूथ टाइगर की। इन्हें आज के समय में पाए जाने वाला टाइगर्स का पूर्वज माना जाता है, जो कि 11,000 साल पहले रहा करते थे। वहीं दूसरी तरफ साइबेरियन टाइगर, जो कि आज के समय के सबसे बड़े टाइगर हैं, जो कि रसिया, चाइना और दुनिया के कई हिस्सों में पाए जाते हैं। अगर हम बात करें वजन की, तो एक सेबरटूथ टाइगर का वजन करीब 150 से 280 केजी तक होता था। कई दावों के मुताबिक सेबरटूथ टाइगर का वजन 300 से 480 केजी तक होता था, वहीं एक साइबेरियन टाइगर का वजन 180 से 300 केजी तक होता है। अगर हम बात करें इनकी बनावट की, तो सेबरटूथ टाइगर की बनावट बेमिसाल थी। उनकी मांसपेशियों की बनावट उनके बॉडी को मजबूती देती थी। जहां आज के समय में साइबेरियन टाइगर के शरीर में काली धारियां होती हैं, वहीं सेबरटूथ टाइगर के शरीर में काले धब्बे हुआ करते थे। बात करें इनकी पूंछ की, तो साइबेरियन टाइगर की पूंछ करीब 1 मीटर तक लंबी हो सकती है, जो कि शिकार करने के दौरान इन्हें बैलेंस बनाने में और डायरेक्शन चेंज करने में मदद करती है। वहीं दूसरी तरफ सेबरटूथ टाइगर की पूंछ बहुत ही छोटी हुआ करती थी, जिससे ये भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि सेबरटूथ टाइगर अपने शिकार का पीछा करने के लिए लंबी रेस नहीं किया करते थे, बल्कि वे नजदीक से ही अपने शिकार पर वार करके उसे मार कर गिरा देते थे। सेबरटूथ टाइगर का नाम उसे अपने दांतों की वजह से मिला है, जो सेबर यानी तेज धार वाले चाकू के आकार के होते थे। इनके सेबरटूथ इतनी नुकीली और पैनी थी, जिससे इन्हें शिकार करने में बहुत मदद मिलता था। ये कैट फैमिली की सिर्फ एक ही प्रजाति थी, जिनके दांत जबड़ों के बाहर निकला करते थे। इन दांतों की लंबाई लगभग 28 सेंटीमीटर तक थी। वहीं एक साइबेरियन टाइगर के दांत सिर्फ 6 से 7 सेंटीमीटर हुआ करती है, लेकिन सेबरटूथ टाइगर के दांत जितने लंबे होते थे उतने नाजुक भी हुआ करते थे, इसलिए वह अपने शिकार के शरीर के कमजोर हिस्सों में वार करते थे और अपने दांतों से 350 PSI का फोर्स लगाया करते थे। और इससे ज्यादा फोर्स लगाने का मतलब था कि उनके दांत टूट भी सकते थे, और अगर गलती से ये एक बार टूट जाते थे तो जीवन में कभी फिर वापस नहीं आते थे, जिसका मतलब यह था कि उन्हें अब शिकार करने और अपने शिकार को खाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता। वहीं दूसरी तरफ साइबेरियन टाइगर के केनायन दांत काफी मजबूत होती है, इसलिए इनका बाइट फोर्स भी सेबरटूथ टाइगर के मुकाबले काफी ज्यादा होता है। जहां एक साइबेरियन टाइगर 1050 PSI के बाइट फोर्स से अपने शिकार को काट सकता है, वहीं एक सेबरटूथ टाइगर सिर्फ 350 PSI का फोर्स लगा सकता है, जो कि टाइगर के बाइट फोर्स का लगभग आधे से भी कम है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह थी कि उनके दांत काफी नुकीले और पैने हुआ करते थे, जिसके कारण कुछ ही समय में वे अपने शिकार को मार डालते थे। सेबरटूथ टाइगर की बनावट आज के पाए जाने वाले टाइगर की तरह ही थी, लेकिन इनकी ज्यादातर चीजें शेर से मिलती जुलती हैं। ये शेर के तरह ही झुंड में शिकार किया करते थे। ये अपने से दुगने बड़े जानवर का शिकार किया करते थे। यहाँ तक कि ये कभी कभी झुंड बनाकर विशाल मैमथ का भी शिकार कर दिया करते थे। वहीं साइबेरियन टाइगर अकेले ही शिकार करना पसंद करता है और ज्यादातर हिरन जैसे छोटे जानवर का ही शिकार करता है। बात करते हैं इनकी हंटिंग टेक्निक की। साइबेरियन टाइगर अपने केनायन दांतों से अपने शिकार के गले में इतना जोर का बाइट फोर्स लगाता है कि शिकार वहीं पे दम तोड़ देता है। वहीं दूसरी तरफ एक सेबरटूथ टाइगर अपने शिकार को मारने के लिए उस पर अचानक हमला करता था, फिर उसे अपने आगे वाले पंजों से दबोचकर जमीन में गिरा देता था और फिर अपने बड़े बड़े दांतों से शिकार को चीर फाड़ कर रख देता था।
तो दोस्तों इतने सारे बातों को जानने के बाद अब जानते हैं दोनों में किसकी जीत होती। अगर सेबरटूथ टाइगर आज धरती में मौजूद होता और उसकी लड़ाई एक साइबेरियन टाइगर से हो जाती तो दोनों में जीत किसकी होती। दोस्तों कई मान्यताओं के मुताबिक सेबरटूथ टाइगर हाथी को भी अपना शिकार बनाते थे। वहीं आज के साइबेरियन टाइगर इतने मजबूत शरीर के बावजूद हाथी जैसे बड़े जानवर से नहीं भिड़ते हैं। तो दोस्तों इन सब बातों को जानने के बाद ऐसा लगता है जैसे सेबरटूथ टाइगर साइबेरियन टाइगर पर भारी पड़ता। वहीं वैज्ञानिकों के माने तो सेबरटूथ टाइगर लड़ाई में काफी माहिर हुआ करते थे, जो कि शिकार करने में पूरी प्लानिंग किया करते थे और बड़े बड़े मेमत को भी मार गिराते थे। आप इस लड़ाई के बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले बेल आइकन पर भी क्लिक कर लें ताकि आप हमारी कोई भी वीडियो मिस ना करें।